हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो हमारी होने वाली है कि ये DJI OSMO Action कैमरा कैसा है। मैंने इसको 1 महीने तक अच्छे से यूज़ करा है, मोटो ब्लॉगिंग में भी और नॉर्मल व्लॉग्स में भी। तो इसी यूज़ करने बाद ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये कैसा है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरे इस सब कुछ जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर तक तो हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। सो जो ये कैमरा है ये मैंने लास्ट मंथ ही लिया है। मैं गोप्रो भी देख रहा था और इसमें एक दो और भी है इसके साथ में, कंपटीशन में है ब्रांड्स काफ़ी, तो मैं वो सोच रहा था। बट मैंने जब इसके बारे में पढ़ा थोड़ा तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। और प्लस इसमें दो साइड में स्क्रीन भी, दो डिस्प्ले हैं इसमें। और आपको मैं दिखाता हूँ, इसके पहले तो मैं आपको बॉक्स में दिखाता हूँ बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ये बॉक्स आता है जिसमें, ये नॉर्मल बॉक्स है और इसके फीचर्स ये लिखे हैं नीचे। थोड़ा कैमरे के बारे में पहले जान लेते हैं बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें हमें, इस कैमरे में हमें डुअल स्क्रीन मिलेगी, आगे भी इसमें स्क्रीन है और एक पीछे भी स्क्रीन है, जो कि अच्छा है व्लॉगर्स के लिए। व्लॉगर्स के लिए क्योंकि उनको बैक कैमरा, अगर जिनके पीछे डिस्प्ले रहती है उनको पता नहीं चल रहा कि उनका फेस कैसे आ रहा है, उनको पता नहीं लगेगा पीछे का बैकग्राउंड कैसा आ रहा है। और इसमें हमें दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमें 4K HDR, मतलब कि आपको इसमें 4K आप वीडियो बना सकते हो। और प्लस आपको ये 11 मीटर तक, आप इसको वाटरप्रूफ है ये, ठीक है, आप इसको पानी में भी लेके जा सकते हो 11 मीटर तक। और इसका रॉक स्टेडी फीचर है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये आपकी वीडियो काफ़ी स्टेबल नहीं रहेगी, आपकी वीडियो काफ़ी हिलेगी। और प्लस एक और इसमें अच्छी बात है, अगर 4K में आपको रॉक स्टेडी ही मिल रहा है, 4K में भी आपको रॉक स्टेडी मिल रहा है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी मेरे को इसकी। आप इसको 4K वीडियो में आप 60 फ्रेम रेट पे भी इसको वीडियो को शूट कर सकते हो अपनी। आप इसको काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए जो व्लॉगिंग करते हो, उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और ये इसमें हमें 8 टाइम, मतलब 8 टाइम आपको स्लो मोशन इसमें मिल रहा है और काफ़ी, वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 8 टाइम से स्लो मोशन दो। फिर हमें बॉक्स में मिलता क्या क्या है, एक तो हमें बॉक्स में मिलता है कैमरा, जो कि इसके बारे में बात करते हम, ठीक है। कैमरा मिलता है, ये केस मिलता है इसका वाटरप्रूफ केस, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये ऊपर दे रखे, इसको खोलते हैं ऐसे, बुलाओ ऐसे खुल जाता है कैमरा, आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये सब दिखाता हूँ। और ये स्क्रू, अगर आपको स्क्रू ये ऐसे लग जाता है और आप इसमें लग जाता है और आप इसका कैम, अगर आपको हेलमेट में लगाना है या कि आपको, आप इसको ट्राईपॉड में लगाने की हेल्प आता है, ठीक है। उसके बाद है ये डेटा केबल, डेटा केबल जो है इसकी, डेटा केबल है इसकी, ज़्यादा लंबी तो नहीं है तार, ठीक है, तार ज़्यादा लंबी नहीं है। और ये आपको मिलेगी सी टाइप, देख सकते हैं आप, ये आपको सी टाइप मिलेगी, ठीक है, तार अच्छी है, क्वालिटी अच्छी तार की। तार अच्छी, इसकी क्वालिटी अच्छी तार की। ये दो माउंट, एक एक तो ये वाला माउंट है जो पूरा गोल है एकदम, देख सकते हैं आप, इसमें 3M की टेप लगी हुई है, इसको आप निकालेंगे तो आराम से लगाओगे और ये काफ़ी सही रहता है। आपको कोई जरूरत नहीं फेविक्विक लगाने की भी, आप नॉर्मली ऐसे चिपकाओगे तो इससे काफ़ी अच्छी अच्छी गम है, उससे अच्छी क्वालिटी की गम इसने दी है। फिर उसके बाद है ये थोड़ा कर्व वाला है, थोड़ा हल्का सा बैंड है अंदर तरफ, ये आप हेलमेट में लगा सकते हो या फिर आपको बाइक में लगाना है, बाइक में आप लगा सकते हो तो उसके लिए अच्छा है ये। इसमें भी 3M की टेप दी है इसमें, तो ये ऐसे लग जाता है और ये ऐसे लग के टाइट हो जाता है, आप इसको बीच में से भी फंसाओगे और ये टाइट हो जाएगा।
ये बैटरी केस, इसमें बैटरी मैंने अभी कैमरा में लगा रखी है। इसमें आप अपने मेमोरी कार्ड भी रख सकते हो, मैंने मेमोरी कार्ड रखी हूँ अपने पास पे। और बॉक्स में ये बॉक्स है, कुछ ऐसे दिखता है बॉक्स, ये बॉक्स में आपको गाइड भी बकवास। सो ये सब तो हमें जो मिलते हैं, ये डेटा केबल्स और ये सब जो है हमें आपको कैमरे के साथ बॉक्स में मिलेंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बैटरी जो खोलने का है वो ऐसे खुलती है, ये यहाँ से एक क्लिक और ये आ गई आपकी बैटरी बाहर आए। ये है इसकी बैटरी, जो बैटरी हमें साथ में मिलती है, चार्जेबल बैटरी है, इसको आप चार्ज कर सकते हो। बैटरी ये अगर एक टाइम पे, मतलब अगर आप 4K वीडियो शूट कर रहे हो तो कम से कम भी 80 मिनट तक चल जाती है, ठीक है, 70-80 मिनट तक आराम से चलती है। अगर आप कर रहे हो 108 की कर रहे हो तो आपकी वीडियो कम से कम भी 110 मिनट तक चल जाती है, तो सही है। बैकअप इसका अच्छा है बैटरी का भी। ये इसका यहाँ पर लग जाती बैटरी, यहाँ से टाइट करें, इसको अच्छे से टाइट करें ना, वरना अगर इसमें पानी चला गया तो ये पूरा ख़त्म। इसको अच्छे से, आपको आवाज़ आएगी तो जब करोगे टाइट तो दो बारी आवाज़ आएगी, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ अच्छे से टाइट हो गई। सो अब मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। ये खुल गया हमारा कैमरा, देख सकते हो, और ये 4K 30 फ्रेम रेट पे, और ये कैमरा कुछ है ऐसा, ये इस साइड ऐसा है, ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए है। आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ डिस्प्ले ऑन करेगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। रिकॉर्ड आपको करना है तो इस पर क्लिक करने पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। और ये है मेरा, ये बहुत अच्छा बटन है, इसको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में बताता हूँ, जो ये चीज़ है इस पर आप अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड लगता है, मैं निकाल के बताता हूँ, ये इधर मेरा मेमोरी कार्ड एक लगा हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पे अपना, अगर आपको चार्ज करना है तो इधर चार्जिंग स्लॉट भी ये दे रखा है जहाँ पर आपकी बोर्ड लगनी है, तो ये इधर लग जाएगी। सो ये मेरे कैमरे के बारे में है कि अभी तो सिर्फ ये बार बार से दिखता कैसे, ये ऊपर की ये एक डिस्प्ले, ये है छोटी जो सामने के लिए, और ये कैमरा, ये हमारा लेंस, ये खुल भी जाता है। ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग थोड़ा टाइट था, अब तो लूज हो गया है। इसमें काफ़ी तरह के लेंस आते हैं मेरे पास, इसमें आपके पास NH8 आप यूज़ करो तो, मतलब वो ये आपको कैसा को कैसे रिकॉर्डिंग चाहिए, क्या करना है, तो आप इस पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आपको उस तरह से आपको क्या कैसे फ़िल्टर चाहिए तो आप अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो अपना कैमरा, अपना फ़िल्टर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये है मेरा कैमरा DJI। सो मेरा लेने का मकसद DJI क्यों था, पहली बात इसमें इसके साथ जो के टक्कर में थे वो थे GoPro 8, GoPro 9 और आपका प्रोकस, ये और भी ब्रांड्स हैं, तो काफ़ी थे इसके साइज के टक्कर में, बट मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा और मेरे बजट में भी था, बजट फ्रेंडली है काफ़ी। आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, अमेज़ॉन में आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल से इसके रेट गिर गए हैं, मैंने जब लिया था तो ये 2022 का था और अब मेरे ख्याल से 17-18 का चल रहा है, 17,000 या 18,000 के आसपास का, तो आप इसको ले सकते हैं। अब मैंने क्यों लिया था ये GoPro 8, क्यों नहीं लिया था GoPro 8 में रॉक स्टेडी फीचर नहीं है, प्लस इसका ये थोड़ा बजट फ्रेंडली था, इसकी वीडियो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है GoPro 8 से, तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी,
मैंने अपनी जो अभी मैंने इन्हें मेमोरी कार्ड निकाल दी है, तो मेरे को दिखा रहे नॉइस एसडी कार्ड आपके पास इस पर वीडियो शूट करने के लिए काफ़ी आते हैं। आप इस पर वीडियो करना चाहते हैं, टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, HDR वीडियो, स्लो मोशन और लूप रिकॉर्डिंग, तो ये इसके फीचर्स होते हैं। अब इसमें फ़ोटो भी आप खींच सकते हैं, ये भी नॉर्मल फ़ोटो आप ले सकते हो, सिंगल फ़ोटो लेनी है, बर्स्ट, मल्टीपल फ़ोटोज लेनी है, टाइम आपको टाइम लगा के फोटो लेनी है, कस्टम, कस्टम में आप अपना सेट कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए। आप अंडर वाटर में भी आपको यूज़ कर सकते हो, आप इसमें अपने सबसे अपना कस्टम बना देते हो कि अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरा ये वीडियो शूट हो जाए इस तरह का। लगे एक आपको क्या मोड चाहिए, कितने फ्रेम रेट पे करना है, वीडियो चाहिए उसमें या फोटो, आप क्लिक करोगे बटन पे आपको वीडियो बनानी है या उस पर क्लिक करने पर आपको फ़ोटो खींचनी है, तो ये सारे कस्टम में आते हैं। ठीक है, सो मैं इस पर वीडियो सेट कर देता हूँ। ये वीडियो है, ये फीचर है 4K 4:3, इसमें रॉक स्टेडी नहीं आता 4:3 में। ठीक है, 4K में इसमें अलग अलग फ्रेम रेट, 60 FPS भी होती है, 60 FPS भी आपको रॉक स्टेडी मिलता है इस पर 4K में, फिर 50, 48, 30, 25, 4, तो ये आपको इसमें सब पे मिल जाते हैं। इसके बाद 2.7K, इसमें भी आपको इस पर बस सिर्फ 30 FPS मिलेगा, उससे ऊपर नहीं आएगा आपके पास, 30, 25, 24, 2.7K इन वो 4:3 था ये नॉर्मल, और इसमें फिर 1080, फिर 720p ये आपको सारे मिलेंगे। 720p में आपको रॉक स्टेडी नहीं मिलता, ना ही 1080 में मिलता है आपको, आपको सिर्फ 2.7K या फिर 4K में आपको सिर्फ ये मिलेगा आपका रॉक स्टेडी। आप रॉक स्टेडी का मतलब तो आपको पता ही चल चुके कि उसमें आपकी वीडियो काफ़ी स्टेबल रहती है। मैं आपको दिखा दूंगा साइड में कि आपको एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें कैसे, उसमें मतलब कितना आप कितना उसमें वीडियो में शेयर किए तब भी आप वो तब भी उन्हें रॉक स्टेडी ऑन कर रखी है और कैसे वीडियो इन्हें स्टेबल आ रही है उसमें। फिर ये नॉर्मल आपके आ जाते हैं ये इसकी सेटिंग्स, ये आपका जो मैं बता रहा कस्टम करने के लिए, आपको ये कस्टम हेल्प करने के लिए कहा होता है कि आपको कस्टम क्या क्या चाहिए तो वो सेट कर सकते हो। इसमें ब्राइटनेस के लिए आपको लॉक करना है तो लॉक हो जाएगी, इससे कर सकते हो तो ये अनलॉक हो गया। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स आ गई, इसमें वॉइस कंट्रोल भी, अब इस पर बोलोगे क्लिक फ़ोटो क्लिक तो फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, शूट वीडियो तो वो कर सकते हैं, स्नैपशॉट मतलब आपको सेटिंग सेट करनी है कि आपको क्या बनाना है, क्लिक करना है, वीडियो बनानी है, फ़ोटो बनानी है, तो वो सारी आ जाती है। फिर क्विक स्विच में भी आप ऐसे कर सकते हो, वायरलेस कनेक्शन, वाईफाई के लिए, विंड नॉइस, अगर आपने इसको अगर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो, आउटडोर वीडियो में हमें ये विंड नॉइस डिटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो विंड की हवा मतलब हवा की इसमें आपको साउंड काफ़ी आएगी जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी बेकार हो सकती है, तो इसलिए इसका ये फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है। सो ये साउंड आपको साउंड क्लैरिटी का मतलब क्वालिटी कैसे चाहिए, हाई चाहिए, लो चाहिए, मिड चाहिए, वो आप इसमें सेट कर सकते हो, और फ्री ओरिएंटेड एक्सपोजर ये आपको चाहिए, ग्रिड में आज आपके ऐसे लाइन बनी आ जाती है, ऐसे ब्लॉक्स बने आ जाते हैं, तो ये आपके अच्छे रहते हैं जब आपको कोई सिनेमेटिक शूट करना है तो उसके लिए आपको काम आती है। और इसको इसका चलते आगे मैं अभी ग्लो ऑफ कर देता हूँ, एंटी फ्लिकर है, टेम्परेचर थ्रेशोल्ड है, उसके बाद स्क्रीन ऑटो स्लीप रिकॉर्डिंग स्क्रीन ऑफ, कितने देर बाद मतलब रिकॉर्डिंग करते रिकॉर्डिंग चल रही है स्क्रीन ऑफ कितनी देर बाद करनी, 1 मिनट बाद, मैंने 1 मिनट सेट करा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट होती है, आप इसको और ज़्यादा अगर आपको टाइम बढ़ाना है तो उसमें भी कर सकते हो। ऑटो पावर ऑफ अपने आप बंद हो जाएगा 5 मिनट बाद, LED इसमें शूट करते हो एक LED आती है यहाँ पे, इधर LED जाती है जो शूट करके दिखाऊंगा, लैंग्वेज डेट टाइम आपको आपने अपना मेमोरी कार्ड अगर इसमें लगा रखे तो आप इसी से ही अपना मेमोरी कार्ड भी फॉर्मेट कर सकते हो, पूरा आपको रीसेट करना है वो भी कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद
इसको मैंने रोटेशन में ऑटो रोटेट में कर रखा है, इसको ऑटो में सेट कर रखा है, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। फिर इसके बाद ये स्पॉट स्पॉट मीटरिंग, और फिर अगला आता है स्पीक के लिए, मैंने इसको ऑफ कर रखा है, फिर आपने फुल फ्रंट ऑफ मैंने ऑन कर रखा है इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पर ऑटो मैनुअल, मतलब आपको अगर वीडियो के बारे में आपको ऑटो मोड में चाहिए, मैनुअल मोड में आपको, अगर आपको ISO उसका या फिर शटर स्पीड ये सारे ऑटो में करना है तो आप ऑटो में रख सकते हो, या मैनुअल अगर आपको खुद शूट खुद सेटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। फिर वीडियो में वाइट बैलेंस, कलर, डी वेब फॉर्मेट कैसे चाहिए आपको, MP4 है, MOV में चाहिए आप वो सेट कर सकते हो, डी वेब ये सारे आते हैं इसमें। ये आता है हमारा DJI छोटा सा कैमरा। अब आपको दिखाता हूँ इसके फ्रंट स्क्रीन के फीचर, आप ये आ गए आगे तो ये देख सकते हैं आप। ये हमारा ये व्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और अच्छा है इसका तो। इस पर भी आपको सब रहेगा, बैटरी इंडिकेटर, SD कार्ड का यहाँ से, बट आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, चेंज जो कर सकते हो आप पिछली वाली स्क्रीन पे कर सकते हो। ये आगे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तब भी चलेगा, इस पर करोगे तब भी ऐसे आ जाएगा। आगे यहाँ पे डबल डबल फिंगर से क्लिक करोगे तो आप ऐसे भी एक्सचेंज आप इसको स्क्रीन को चेंज कर सकते हो। और इसमें आपके जो फीचर आते हैं वो दिखाता हूँ आपको, इसमें आपके काफ़ी और फीचर आते हैं। इसमें आपके पास वीडियो यहाँ से शूट कर सकते हो, वही HDR, स्लो मोशन आना है, टाइम लैप्स, फोटो ये सारे यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने करा तो इधर आ गई फ्रंट स्क्रीन आ गई है, अभी यहाँ से करते हैं वापस तो ये फिर स्क्रीन चेंज होगी मेरी, ठीक है। सो ये है मेरा DJI OSMO Action कैमरा। वाटरप्रूफ में भी इसका काफ़ी अच्छा रहा है, वाटरप्रूफ में भी अगर आपने आपको वाटरप्रूफ अगर बनाना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा ही, आपको केस यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपके और कोई केस है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आप इसमें GoPro की काफ़ी एक्सेसरीज भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको उसका माउंट आप यूज़ कर सकते हो, उसका ये माउंट होते हैं जो, ये यूज़ कर सकते हो आप, प्लस का ट्राईपॉड जो आप जो आपका ट्राईपॉड उसमें लगता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो GoPro के अंदर काफ़ी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग भी इसकी क्लैरिटी कैमरे की काफ़ी अच्छी रही है। मैं आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, पुरानी वीडियोस जो मैंने वो सारी इसी से शूट करी हैं, बट इसमें मैंने एक कमी देखी है सिर्फ, जो कि मैंने GoPro में पता नहीं देखी है नहीं देखी, बट इसमें एक कमी ये है कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, आप जैसे धूप है, धूप से एकदम सीधा छाव में आ रहे हो ना, तो इसका जो वीडियो की जो क्वालिटी है, जो कलर जो उसके ना, वो काफ़ी टाइम लेता है चेंज होने में, तो वो काफ़ी देता है, पहले पिंक काफ़ी देर तक पिंक में रहेगी, वो पिंक कलर की स्क्रीन रहेगी उसकी, वीडियो आपकी पिंक कलर की रहेगी, फिर उसके काफ़ी देर बाद जाके वो सही होती है। तो ये मेरे को उसकी थोड़ी सी बेकार चीज़ लगती है, बाकी तो ये छोटा बम है, काफ़ी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपने देखा होगा लाइट आती है जब आप, तो आप वो लाइट को भी LED को आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको शूट हो चाहिए लाइट नहीं चाहिए, सही है वैसे तो लाइट वो सुबह चल रहा है कि हाँ वो कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग चालू नहीं चालू। सो यही है इसमें, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छी इसमें दे रखी है हमें। बाकी आपको दिखाता हूँ इसमें कि इसमें वाटरप्रूफ में कैसा इसका रिस्पांस रहा है, वीडियो डाल दूँगा साइड में आपको पता चलता रहेगा। और तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये कैमरा। इसमें अगर आप मेरे को पूछोगे कि हाँ ये लेना चाहिए 2021 में, तो यस आपको लेना चाहिए। GoPro 8 से तो काफ़ी अच्छा है, मैं इसके एक कंपेरिजन वीडियो भी डाल दूंगा, काफ़ी अच्छा रहा है इसमें, GoPro 8 भी काफ़ी अच्छा है, बट मेरे को उससे वीडियो क्वालिटी से अच्छा तो अपना ये DJI लगता है, और
उसके बाद GoPro 9 के साथ मैंने कंपेयर नहीं करा, बट गो तो अगर वो मेरे को मिलता है तो उसके साथ भी मैं आपकी डाल दूँगा कंपेरिजन वीडियो। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए और रिव्यूज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए। तो अभी एक्चुअली लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैं भी ज़्यादा बाहर जा नहीं रहा, वरना मैं आपको काफ़ी शूट दिखाता, आपको काफ़ी वीडियो दिखाता अभी। तो आप लोग प्लीज़ घर पर रहें, सेफ रहें, वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं लगवाई तो प्लीज़ वैक्सीनेशन जाके लगवाइए, और प्लीज़ अपने आसपास भी ध्यान रखिए, लोगों का भी और अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी। तो अब टाइम आ गया मैं साइन ऑफ लेने का, तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे होम।